वीडियो में हम जानेंगे 10 ऐसे आसान तरीके जिससे आप आपके स्पर्म काउंट को किस तरह से आसानी से बढ़ा सकते हो, और इस वीडियो के आखिर में मैं आपको एक बोनस टिप भी दूंगी, तो इस वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलिए। वेलकम टू थिंक पिल, मैं हूँ डॉक्टर रूपल और थिंक पिल चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि एक हेल्दी पुरुष में जो नॉर्मल स्पर्म काउंट होता है वो कितना होना चाहिए। तो एक नॉर्मल स्पर्म काउंट का जो रेंज होता है वो 15 मिलियन यानी कि 15 मिलियन स्पर्म से लेकर मोर देन 200 मिलियन स्पर्म पर मिलीलीटर ऑफ सीमेन का होता है। अगर आपका स्पर्म काउंट 15 मिलियन स्पर्म पर मिलीलीटर से कम है तो आपके स्पर्म काउंट को कम माना जाता है। स्पर्म काउंट इस पर डिपेंड करता है कि आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कितने हैं, क्या आपको किसी तरह का प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन है, क्या आपको डायबिटीज ब्लड प्रेशर की बीमारी है, क्या आपको किसी तरह का जेनेटिक प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी आपका स्पर्म काउंट इफेक्ट होता है, क्या आप किसी तरह की दवाइयां ले रहे हो, अगर आप बीपी की दवाई या किसी तरह की आयुर्वेदिक हर्बल होम्योपैथिक मेडिसिन अगर आप लंबे समय से ले रहे हो तो उसके साइड इफेक्ट के तौर पर भी आपका स्पर्म काउंट इफेक्ट हो सकता है, आपकी एज कितनी है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है तो स्पर्म काउंट डेफिनेटली रिड्यूस होता जाता है, किस तरह का आप काम करते हो, किस तरह की एक्सरसाइजेस करते हो उसकी वजह से भी आपका स्पर्म काउंट इफेक्ट होता है। ऐसे लोग जो इस तरह के फैक्ट्री वर्कशॉप्स में काम करते हैं जहां पे बहुत ज्यादा हीट एक्सपोजर यानी कि बहुत ज्यादा गर्मी का एक्सपोजर होता है तो उसमें स्पर्म काउंट इफेक्ट होता है, ओवर एक्सरसाइजिंग की वजह से भी स्पर्म काउंट कम हो सकता है। इसके साथ साथ अगर ऐसे खाद्य पदार्थ ले रहे हो जिसमें पोल्यूटेंट्स है या एनवायरमेंटल पॉइजंस होते हैं या किसी तरह के कंटामिनेशंस होते हैं उसकी वजह से भी स्पर्म काउंट कम हो सकता है, और आखिर में अगर आपके बॉडी में किसी तरह का विटामिन डेफिशिएंसी या मिनरल डेफिशिएंसीज होते हैं या अगर आपको मैल न्यूट्रिशन है तो उसकी वजह से भी आपका स्पर्म काउंट इफेक्ट होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं 10 ऐसे आसान तरीके जिससे आप आसानी से आपका स्पर्म काउंट बढ़ा सकते हो। सबसे पहला तरीका जिससे आप आपका स्पर्म काउंट बढ़ा सकते हो वो है डी एस्पार्टिक एसिड सप्लीमेंट्स। तो डी एस्पार्टिक एसिड यानी कि DAA ये एक तरह का एस्पार्टिक एसिड है, ये एक तरह का अमाइनो एसिड है जो बाजार में एज अ डाइट सप्लीमेंट की तरह आसानी से अवेलेबल है। DAA यानी कि डी एस्पार्टिक एसिड DAA आपके सीमन और आपके स्पर्म सेल्स में भी मौजूद होता है, तो ज्यादातर DAA या डी एस्पार्टिक एसिड को रिकमेंड किया जाता है। डोज है 3 grams ऑफ DAA सप्लीमेंट्स, आप डेली ले सकते हो 2 हफ्तों के लिए। इस तरह का ट्रीटमेंट लेने से टेस्टोस्टेरोन लेवल्स में 42% का इंक्रीज देखा गया है। दूसरा तरीका जिससे आप आपका स्पर्म काउंट बढ़ा सकते हो वो है एक्सरसाइज करने से। अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हो तो उससे ना सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इसके साथ साथ आपका फिजिकल परफॉर्मेंस भी बढ़ता है और इसकी वजह से आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स बढ़ जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, एक्सरसाइज करते समय एक बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए, ओवर एक्सरसाइज या बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने से ऑपोजिट इफेक्ट होता है, टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स कम हो सकते हैं। अगला तरीका जिससे आप आपका स्पर्म काउंट बढ़ा सकते हो वो है पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी लेकर। जब आपके बॉडी के जो एंटीऑक्सीडेंट डिफेंसेस कमजोर हो जाते हैं वो इसलिए हो सकता है कि जब आप किसी बीमारी से ग्रस्त हो, उम्र की वजह से या फिर एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल या एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स की वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से आपके बॉडी में जो एंटीऑक्सीडेंट डिफेंसेस होते हैं आपकी बॉडी में वो कमजोर पड़ जाता है, जिसकी वजह से आपके बॉडी में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज यानी कि ROS इसकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अभी ये जब आपकी बॉडी में ROS की मात्रा बढ़ जाती है तो इसकी वजह से टिश्यू इंजरी हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है आपकी बॉडी में, इसके कारण कई पुरुषों में इनफर्टिलिटी हो जाती है, स्पर्म काउंट बहुत ही कम हो जाता है। तो जब आप एडिक्वेट क्वांटिटीज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स लेते हो जिसमें प्रमुख है विटामिन सी, तो इस
विटामिन सी की वजह से आपके बॉडी में जो भी हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं वो कम्प्लीटली टल जाते हैं, बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं। तो विटामिन सी का डोज क्या है? तो विटामिन सी के सप्लीमेंट्स 1000 मिलीग्राम दिन में दो बार कम से कम 2 से 3 महीने के लिए अगर आप लेते हो तो इससे आपकी स्पर्म की मोर्टिलिटी बढ़ जाती है बाय 92% और आपका जो स्पर्म काउंट होता है वो 100% से इंक्रीज हो जाता है। चौथा तरीका जिससे आप स्पर्म काउंट को बढ़ा सकते हो वो है रिलैक्स और मिनिमाइज स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से आपको सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन में भी बाधा आती है, इसके साथ साथ आपकी फर्टिलिटी पर भी बहुत ही बुरा असर पड़ता है। रिसर्च के अनुसार ये देखा गया है कि हार्मोन कॉर्टिसोल की वजह से टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स में कमी आ जाती है। जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है तो आपका स्पर्म काउंट भी कम हो जाता है। पांचवा तरीका जिससे आपका स्पर्म काउंट बढ़ा सकते हो वो है विटामिन डी के सप्लीमेंट्स। विटामिन डी एक ऐसा न्यूट्रिएंट और ऐसा एक विटामिन है जिससे आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स में इम्प्रूवमेंट होता है, आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करता है। तो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेने का सही तरीका क्या है, उसका डोज क्या है? तो जिन पुरुषों में लो लेवल्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उन्होंने 3000 इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ विटामिन D3 हर रोज 1 साल के लिए लेना चाहिए। छठा तरीका जिससे आपका स्पर्म काउंट बढ़ा सकते हो वो है एक जड़ी बूटी जिसको कहा जाता है ट्राइब्यूलस टेरेस्ट्रिस। तो ट्राइब्यूलस टेरेस्ट्रिस यानी कि गोखरू, ये एक तरह का मेडिसिनल हर्ब है जो अक्सर मेल फर्टिलिटी को एनहांस करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका क्या डोज है? तो जिन पुरुषों में लो स्पर्म काउंट्स होते हैं वो 6 ग्राम ऑफ ट्राइब्यूलस रूट अगर हर रोज लेते हैं 2 महीने के लिए तो इसकी वजह से उनके इरेक्टाइल डिसफंक्शन में भी फायदा होता है और उनका लिबिडो भी इंक्रीज होता है। ट्राइब्यूलस टेरेस्ट्रिस टेस्टोस्टेरोन के हार्मोन के लेवल्स को तो नहीं बढ़ाता लेकिन ये मेल लिबिडो को इंक्रीज करता है। जब मेल का लिबिडो इंक्रीज होता है तो नेचुरली टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लेवल्स बढ़ जाते हैं। सातवां तरीका जिससे आपके स्पर्म काउंट को बढ़ा सकते हो वो है फेनुग्रिक सप्लीमेंट्स यानी कि मेथी के दाने। इसको लेने का एक अलग तरीका है। तो इसका जो रिकमेंडेड डोज है 500 मिलीग्राम ऑफ फेनुग्रिक एक्सट्रैक्ट अगर हर रोज आप लेते हो तो उसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ स्ट्रेंथ और फैट लॉस भी देखा जाता है क्योंकि जैसे मैंने कहा पहले कि अक्सर वजन बढ़ने की वजह से भी स्पर्म काउंट कम हो जाता है। आठवां तरीका जिससे आपका स्पर्म काउंट इंक्रीज कर सकते हो वो है जिंक सप्लीमेंट्स। जिंक एक एसेंशियल मिनरल है जो हाई अमाउंट में एनिमल फूड्स में मिलता है जैसे कि मीट, फिश, एग्स और शेलफिश। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल माना जाता है मेल फर्टिलिटी के लिए। जब आपकी बॉडी में जिंक का लेवल कम हो जाता है तो उसकी वजह से एक पुरुष के शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेवल कम हो जाता है, स्पर्म की क्वालिटी भी बहुत ही खराब हो जाती है और इसके साथ साथ मेल इनफर्टिलिटी बढ़ जाती है। तो अगर आप एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल को मेंटेन रखने के लिए आपको जिंक सप्लीमेंट्स डेफिनेटली लेने चाहिए। अगला तरीका जिससे आपका स्पर्म काउंट बढ़ा सकते हो वो है अश्वगंधा, जिसका मेडिसिनल नाम है विथेनिया सोमनिफेरा। स्टडी से ये पता चलता है कि अश्वगंधा इस्तेमाल करने से मेल फर्टिलिटी बूस्ट होती है। मेल फर्टिलिटी में टेस्टोस्टेरोन के हार्मोन्स के जो लेवल्स होते हैं वो इंक्रीज होते हैं। तो इसका क्या डोज है? 675 मिलीग्राम ऑफ अश्वगंधा रूट एक्सट्रैक्ट पर डे 3 मंथ्स के लिए लेना चाहिए जिससे कि फर्टिलिटी में काफी इम्प्रूवमेंट देखा जाता है, इसके साथ साथ उनके टेस्टोस्टेरोन के जो लेवल्स है वो भी बढ़ जाएंगे। दसवां और आखिरी तरीका जिससे आपका स्पर्म काउंट बढ़ा सकते हो वो है माका रूट। इस रूट में बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज है कि इसमें मेल लिबिडो और मेल फर्टिलिटी को एनहांस करने वाली प्रॉपर्टीज है। तो माका रूट का जो डोज है वो क्या है? पुरुषों ने इस रूट को 1.5 to 3 ग्राम ऑफ ड्राइड माका रूट लेना चाहिए हर रोज फॉर 3 मंथ्स। ये लेने से मेल सेक्सुअल डिजायर, मेल लिबिडो में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आती है। अब मैं आपको 8 ऐसे बोनस टिप्स बताऊंगी जिसकी वजह से आपका स्पर्म काउंट आसानी से बढ़ सकता है। सबसे पहला तो लीड अ हेल्दी लाइफस्टाइल। सेकंड है लूज एक्सेस वेट। अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है तो उसको कम कीजिए। लिमिट योर अल्कोहल इनटेक। अगर आप मद्यपान या शराब लेते हो तो उसको कम्प्लीटली बंद कर दीजिए। नेक्स्ट है गेट इनफ फोलेट। फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स लेने से भी आपके स्पर्म काउंट में अच्छा असर होता है। नेक्स्ट है गेट एडिक्वेट स्लीप। नींद आपकी पूरी कीजिए। स्लीप डिप्राइवेशन की वजह से भी स्पर्म काउंट में या स्पर्म हेल्थ में फर्क पड़ता है। अगला तरीका है स्नैक
ऑन वॉलनट्स. वॉलनट्स यानी कि अखरोट. वॉलनट्स के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपके मेल फर्टिलिटी को एनहांस करते हैं. अगला तरीका है सप्लीमेंट्स लेना. ऐसे सप्लीमेंट्स, खास करके एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट्स जैसे कि कोएंजाइम Q10, ये सीमेन की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है. अगला और आखिरी टिप है अवॉइड ईटिंग टू मच सोय. सोय यानी कि सोया सॉस या सोय सप्लीमेंट्स या सोय युक्त खाना अगर आप लेते हो तो सोय के अंदर या सोया के अंदर आइसोफ्लेवोन्स होते हैं. आइसोफ्लेवोन्स की वजह से सीमेन क्वालिटी खराब होने की शक्यता होती है, हार्मोनल इम्बैलेंस. आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही. अगर आपको इस वीडियो के बारे में कुछ प्रतिक्रिया या प्रश्न हो तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए. इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए. अगर आपको इस वीडियो से महत्वपूर्ण जानकारी मिली हो और आप इस तरह के वीडियोस देखना पसंद करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं इस तरह की वीडियोस पोस्ट करूँ. तो अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड डोंट फॉरगेट टू स्टे ऑसम. बाय.